पांच रियासतों में वोटिंग की तारीखों के ऐलान के बाद इंतखाबी सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 43 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की जारी की फहरिस्त। राजस्थान में 7 मेंबरान पार्लियामेंट को दिया गया टिकट। मरकजी वजीर अमित शाह आज तेलंगाना के इंतखाबी दौरे पर, आदिलाबाद में जन गरजना सभा से करेंगे खिताब। सिकंदराबाद में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी। सिक्योरिटी दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को कर दिया ढेर। इलाके में तलाशी मुहिम जारी। भारत और इटली के दरमियान दिफा के शोबे में मुहाइदे पर हुए दस्तखत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इटली के अपने हम मनसब से की मुलाकात। कई बाहमी और बैनुल अक्वामी उमूर पर हुई बातचीत। बैनुल अक्वामी खबरों में इसराइल और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। इसराइल ने जनूबी इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का किया ऐलान। गजा में 500 ठिकानों को बनाया निशाना। तनाजे में अब तक दोनों फरीकों के 1500 से ज्यादा अफराद हलाक। और खेल की खबरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले हिंदुस्तानी दस्ते से करेंगे मुलाकात। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा मुनक़िद। और आईसीसी वर्ल्ड कप में आज होंगे 2 मैचेस। पहले मैच में बांग्लादेश को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का चैलेंज होगा दरपेश। दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें होंगी आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। 5 रियासतों में वोटिंग की तारीखों के ऐलान के बाद इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में मसरूफ हैं। दरअसना कल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 43 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। राजस्थान में 7 मेंबराने असेंबली को मैदान में उतारा गया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर चुकी है, लेकिन जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हुआ तो मध्य प्रदेश समेत 3 रियासतों की फहरिस्त जारी कर दी गई और इशारा दिया गया कि वो इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 57 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी की है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, रियासती वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेलही से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसी राम सिलावट सानवीर से इलेक्शन लड़ेंगे। और पार्टी ने असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए पहले जारी की गई फहरिस्त में कई मरकजी वुज़रा और मेंबराने पार्लियामेंट को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी पहले ही 79 नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 43 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 7 अराकीन असेंबली को मैदान में उतारा है। इनमें राज्यवर्धन राठौर झोटवाड़ा से, दिया कुमारी विद्याघर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से और करोड़ी लाल मीना सवाई माधवपुर से, नरेंद्र कुमार मंडवा से, भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से, देवजी पटेल सांचोर से इंतखाबात लड़ेंगे। राजस्थान में 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को इंतखाबात होंगे और इंतखाबात की गिनती जो है वो 3 दिसंबर को की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए 64 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है और जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक साबिक वजीर सरगुजा से जो मेंबरान हैं वो
मरकजी वजीर रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से इंतखाबात के मैदान में उतारा गया है। वहीं गोमती साय को पथल गांव से मौका दिया गया है और इसके अलावा अरुण साव लोरमी से इंतखाबात लड़ेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि सरगोजा एमपी और मरकजी वजीर रेणुका सिंह को भरतपुर से, वहीं गोमती साय को पथल गांव से मौका दिया गया है। इसके अलावा अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ेंगे, असेंबली इंतखाबात मैदान में होंगे। और इससे कबल बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की थी। छत्तीसगढ़ में दो मरहलों में इंतखाबात होंगे, पहले मरहले में 7 नवंबर को और दूसरे मरहले में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी नतीजे का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुल्क और दुनिया को इंतखाबी खबरों की बेहतरीन कवरेज फराहम करने के लिए जीडी न्यूज़ ने एक खास किस्म का चुनाव रथ तैयार किया है। इस इलेक्शन रथ की क्या खासियत है, आइए देखते हैं। सिलसिले में हमारे नामनिगार ओपी यादव की खसूसी रिपोर्ट। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी तशहीर का बिगुल बज चुका है। चुनावी प्लेटफॉर्म में सजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की रियासतों की पल पल की खबरों को आवाम को रूबरू करवाने के लिए पब्लिक ब्रॉडकास्टर चैनल डीडी न्यूज ने भी खासी तैयारियां की हैं। जमहूरियत के इस त्यौहार को यादगार बनाने के लिए खसूसी तरह का चुनाव रथ तैयार किया गया है। क्या बोले राजस्थान, क्या बोले छत्तीसगढ़ और क्या बोले मध्य प्रदेश जैसी थीम लाइन के साथ डीडी न्यूज के ये चुनाव रथ इंतखाबी रियासतों के हर हलके में जाएंगे और आवाम से सीधी बातचीत का जरिया बनेंगे। मुल्क के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज के इस चुनाव रथ का आवाम ने भी खुले दिल से इस्तकबाल किया है। ये चुनाव रथ जो आया है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सटीक खबरें मिलेंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी। चुनाव रथ है ये, जो डीडी का पहल है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके थ्रू हम गांव के और शहर के भी लोग अच्छे से जुड़ पाएंगे। चुनाव रथ का स्वागत करते हैं, इससे बहुत अच्छी खबरें मिलती है हमें। इंतखाबी खाका के डिजाइन के लिहाज से सजे संवरे इस चुनाव रथ में LED लगाई गई है जो लाइव टेलीकास्ट करेगी। साउथ सिस्टम के अलावा जनरेटर का भी मुतबादिल इंतजाम किया गया है। चुनाव रथ के फर्श पर नहायत दिलकश रेड कारपेट भी बिछाया गया है। स्टेज पर रखी 4 कुर्सियों पर मेहमानों के साथ एंकर के जरिए लाइव बातचीत की जाएगी। मुल्क के अवाम के अटूट एतमाद और सच्ची खबरों की अलामत डीडी न्यूज चैनल इस चुनाव रथ के जरिए से मुल्क के मफाद में अपने पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी को निभाते हुए जमहूरियत के इस त्यौहार में अवाम को पल पल की खबर दस्तयाब करवाने के लिए शानदार काम करेगा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम की 579 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है। इसी क्रम में डीडी न्यूज ने भी कवरेज के लिए खास तैयारियां की है। मेरे पीछे आप जो चुनाव रथ देख रहे हैं, क्या बोले राजस्थान, क्या बोले छत्तीसगढ़, क्या बोले मध्य प्रदेश, ये चुनाव रथ हर राज्य की विधानसभा क्षेत्र में जाएगा और दर्शकों के साथ सीधा संवाद कर चुनाव से जुड़ी हर खबर को राष्ट्र के सामने रखेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद तमाम पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह आज तेलंगाना के इंतखाबी दौरे पर होंगे। अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गरजना सभा से खिताब करेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। असेंबली इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद अमित शाह का तेलंगाना का ये पहला दौरा है। तेलंगाना में 119 असेंबली सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। भारत और इटली के दरमियान दिफा के शोबे में एक मुहायदे पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इटली के अपने हम मनसब से मुलाकात की है और कई बाहमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की।
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज मराकिश के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सालाना इजलास में शिरकत करेंगी और इसके साथ ही वजीर खजाना कई दीगर मीटिंगों में भी शिरकत करेंगी। ये मीटिंगें 11 से 15 अक्टूबर तक मराकिश के शहर मार्केच में होंगी। सालाना इजलास में दुनिया भर से वज़राए खजाना और मरकजी बैंकर्स शिरकत करेंगे। निर्मला सीतारमन के साथ एक वफद भी मराकिश जा रहा है जिसमें वजारत खजाना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अफसरान शामिल हैं। इसके साथ ही वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की चौथी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजारत इत्तलात व नशरियात ने कायम करदा रेट स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर सरकारी पॉलिसियों और प्रोग्रामों के लिए निजी FM रेडियो स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले इश्तहारात के लिए नए नरकों की मंजूरी देती है। सितंबर 2023 में वजारत की तरफ से मंजूर करदा नई शराहों में दिसंबर 2015 से मार्च 2023 की मुद्दत के लिए बढ़ी हुई लागत को मद्देनजर रखने के लिए बुनियादी शरह में 43% इजाफा शामिल है। FM रेडियो इश्तहारात 52 रुपये से बढ़कर 74 रुपये फी 10 सेकंड हो जाएंगे। मजमुई बुनियादी शरह में इजाफे से मुल्क में इस वक्त काम करने वाले 400 से जायद कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को भी फायदा पहुंचेगा। वजारत ने शहर के हिसाब से नरखों के हिसाब लगाने के लिए मौजूदा कीमतों के फार्मूले को जारी रखने का भी फैसला किया है। तकरीबन तमाम निजी FM रेडियो स्टेशनों को जो है वो इस फार्मूले की बुनियाद पर बढ़े हुए बुनियादी शरह के साथ मुख्तलिफ शरह पर नई तजवीज़ करदा शरहों से मुस्तफीद होंगे। FM स्टेशनों और CBC के सारफीन दोनों के एतमाद का इन्हिसार उनके सुनने वालों पर है और इस फॉर्मूले की बुनियाद पर 106 स्टेशनों के लिए शरहें 100%, 81 स्टेशनों के लिए 50% से 100% और 65 स्टेशनों के लिए 50% से कम बढ़ेंगी जिनके लिए सामयीन का डेटा दस्तयाब है। माही परवरी हैवानियात और दूध की पैदावार के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला आज कोची में 16वें ज़राई साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। 4 रोज़ा एग्रोनॉमी कांग्रेस का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान के ज़राई खुराक के निज़ाम को पायदार कारोबारी इदारों में तब्दील करने के बारे में साइंसी बहस करना है। इसमें हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से तकरीबन 1500 मंदबीन शिरकत करेंगे। इनमें ज़राई माहरीन इक्तसादियात, साइंस, पॉलिसी साज, माहरीन तालीम, किसान और कारोबारी अफराद शामिल हैं। ज़रात से मुतालिक 10 मौजूआत और माशरे पर इसके असरात पर बात की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के मकाम पर ज़राई नुमाइश का भी अहतमाम किया जाएगा। नुमाइश में सरकारी और निजी शोबे के तहकीकी इदारों, यूनिवर्सिटियों, ज़राई सनतों, तौसी एजेंसियों और NGOs की इख्तराई ज़राई टेक्नोलॉजीज पेश किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। सिक्योरिटी दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है और तलाशी की कार्रवाई जारी है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग का आज चौथा दिन है, जहां हमास मुसलसल इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है तो वहीं इसराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल ने जुनूबी इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का ऐलान किया है। इसराइल जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता रात गजा की पट्टी में हमास और इस्लामी जिहाद के 500 से ज़ायद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास के 7 कमांड सेंटर्स जो हैं और एक जिहाद कमांड सेंटर पर भी बमबारी की गई है। इसराइल ने कई इमारतों को भी निशाना बनाया है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने 3 लाख रिजर्व फौजियों को बुलाया है और वो गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी कर रहा है और इस बात की अलामत हो सकती है कि वो हफ्ते के आखिर में हमास के तबाहकुन हमले के जवाब में ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमास के हमले ने इसराइल की नाकाबिल शिकस्त साख को तबाह कर दिया है। दोनों फरीकों के तनाज़े में अब तक 1500 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें 900 इसराइली और 687 हमास के हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के बाद से एक तरफ पूरी दुनिया हमास की मजम्मत कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पीर को इस काबिल मजम्मत वाक़े से
متعلق ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں فلسطینی عوام کی زمین، خود مختاری اور حقوق کے لیے حمایت کی گئی ہے۔ اور اس پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دہشت گرد تنظیموں اور دہشت گردی کی حمایت کرنے پر کانگریس پر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ کانگریس یہ پھر کر رہی ہے، دہشت گرد تنظیموں اور دہشت گردی کی حمایت کر رہی ہے جبکہ بے گناہ شہری اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ اس موقع کو اپنا کر INDIA اتحاد کی سرکردہ پارٹی نے خود کو ملک کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ جو پارٹی کھل کر تشدد کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر وہ اپنے ملک اور شہریوں کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتن یاہو نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے حملے کو اسلامک اسٹیٹ کے مظالم کے مترادف قرار دیا ہے۔ بنیامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے دوران حماس نے جو مظالم ڈھائے ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ کے مظالم سے ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے بے گناہ اسرائیلیوں پر جو وحشیانہ حملے کیے جا رہے ہیں وہ حیران کن ہیں، اور ان کا یہ بیان تل ابیب میں سیکیورٹی کابینہ سے ملاقات کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اٹلی کے لیڈروں نے حماس کی طرف سے اسرائیل پر اچانک کیے گئے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون، جرمن چانسلر اسکوالس، اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی اور برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ حماس کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ حماس کے دہشت گردوں نے گھروں میں خاندانوں کو قتل کر دیا ہے۔ موسیقی کی ایک تقریب میں شامل 200 سے زیادہ نوجوانوں کا قتل کیا گیا اور بزرگ خواتین، بچوں اور پورے خاندان کو اغوا کر کے یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے مظالم کے خلاف اپنے عوام کے دفاع کی کوششوں میں اسرائیل کی حمایت کریں گے۔ ان رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے جائز مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن حماس ان امنگوں کی نمائندگی نہیں کرتا کیونکہ اس سے فلسطینی عوام کو دہشت گردی اور خون ریزی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اب پیش ہے دلی سے شائع اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ تو دلی سے شائع اردو کے اخبارات میں اگر بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اسی کے حوالے سے خبریں، کافی خبریں اس میں شائع ہوئی ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ہے پہلے صفحے سے جو سرخی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ غزہ کی سرحد پر 100,000 اسرائیلی فوجیں تعینات ہیں اور حملے جاری ہیں لگاتار۔ 900 اسرائیلیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، وہیں 560 فلسطینی بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بھی بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 5 ریاستوں میں جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کا اعلان کی خبر کو بھی یہاں پر شائع کیا گیا ہے۔ نتائج 3 دسمبر کو آئیں گے۔ آگے خبر ہے، ہندوستان اور تنزانیہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ ہندوستان اور تنزانیہ نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے اور دفاعی شعبے اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور تنزانیہ کی صدر نے آپس میں ملاقات کی ہے اور یہ بیان جاری کیا ہے۔ آگے کی خبریں بھی جان لیتے ہیں، جہاں بین الاقوامی صفحے سے جو خبر ہے، امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ ہوا ہے۔ اسرائیل کا غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر کے بجلی، کھانا اور ایندھن کی سپلائی روکنے کا حکم ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری بیڑا بھیجنے پر حماس کا سخت رد عمل دیکھا گیا ہے۔ آگے کی بھی بات کر لیتے ہیں، جہاں اسرائیل حماس جھڑپ میں غزہ میں 100,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے یہ بات اپنی رپورٹ میں کہی ہے۔ روزنامہ انقلاب سے بھی ہم نے عالمی صفحے سے یہاں ایک خبر لی ہے۔ خبر ہے ہانگ کانگ سے، جہاں طوفان کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور اسکول تمام بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھیں آج کے اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ کے لیے چنی تھیں، اور آگے بڑھتے ہیں اور
एक पहल देखते हैं। आपको एक दिलचस्प लेकिन निहायत अहम खबर बताते हैं। इस वक्त बरेली के तमाम बुनियादी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं और इसके साथ ही बरेली 100% स्मार्ट स्कूल वाला ज़िला बन गया है। तालीम हमेशा मोदी हुकूमत की तरजीह रही है। बरेली के महकमे तालीम के अफसरान पीएम मोदी के सब पढ़ें और सब बढ़ें के ख्वाबों को पूरा कर रही है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। बरेली के महकमे तालीम ने पीएम मोदी के इस ख्वाब को पूरा करने का काम किया है। ज़िले के तमाम बुनियादी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को अब स्मार्ट क्लासेस में तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब को बरेली के महकमा तालीम के अफसरान पूरा कर रहे हैं। ये स्कूल किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं। यहाँ स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ क्लासेस में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और LED के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बरेली के CDO जग परवेश ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब मुकम्मल भारत का है और इसके तहत अब बच्चों को स्मार्ट तालीम दी जा रही है। हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है। मोटिव यही है कि आधुनिकता के आज के युग में बच्चों को टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से जुड़ना बहुत आवश्यक है और बच्चे भी, खासकर ये जितने भी बच्चे होते हैं ग्रामीण परिवेश से और जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उनको जो डिजिटल कंटेंट के माध्यम से जोड़ा गया है कि किताबी जो ज्ञान है, किताबी टेक्स्ट है, उसी को जब वो ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब देखते हैं तो उनकी, जाहिर सी बात है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ता है। दरअसल इन स्मार्ट स्कूलों में बच्चों को TV पर वीडियो चलाकर समझाया जाता है। इससे वो जल्दी और अच्छी तरह समझते हैं और याद रखते हैं। इसीलिए पढ़ाने के तरीके भी बदल गए हैं। अब बच्चे TV और प्रोजेक्टर पर पढ़ रहे हैं। वहीं AD बेसिक विनय कुमार ने कहा कि ये कामयाबी जिले के आला ओहदेदारों की कोशिशों से हासिल हुई है, जिसकी वजह से बरेली 100% स्मार्ट स्कूल वाला जिला बन गया है और इसके साथ ही डिवीजन के दीगर अजला को भी 100% स्मार्ट स्कूल बनाने की कोशिशें जारी हैं। हमें लगता है बरेली प्रदेश का पहला जनपद है जहां पे 100% विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित है। तो ये पूरी टीम भावना से काम हुआ, सब ने जितने जिस स्तर पे थे, चाहे जो भी, चाहे मेरा शिक्षक हो, उसने भी जब उसको स्मार्ट क्लास को संचालित किया गया, फिर उसको बच्चों तक सिखाने का काम किया गया। स्मार्ट क्लास जो भी संचालित है हमारे यहाँ, वो सभी बच्चे खुद चलाते हैं। तालीम हमेशा मोदी हुकूमत की तरजीह रही है। एक तरफ खस्ताहाल स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए खूबसूरत और अजीमुलशान बनाया जा रहा है, अब प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दस्ते से बातचीत करेंगे। इस तकरीब का मकसद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एशियन गेम्स में शानदार कामयाबी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद देने और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए हौसला अफजाई करना है। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 तलाई तमगों समेत कुल 107 तमगे जीते हैं। ये एशियाई खेलों में भारत की बेहतरीन कारकर्दगी है। इस तकरीब में एशियन गेम्स के लिए भारतीय दस्ते के खिलाड़ी, उनके कोचेस, हिंदुस्तानी ओलंपिक एसोसिएशन के उहदेदार, कौमी खेलों की फेडरेशनों के नुमाइंदे और नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के उहदेदार भी शिरकत करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दो मुकाबले होने हैं। पहले मैच में इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैदान में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। इंग्लैंड को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इस हार को भुलाकर अपनी कारकर्दगी में इसलाह करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। हालांकि इंग्लैंड के लिए ये इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती इंग्लैंड कभी नहीं करेगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम अक्सर उलट फेर करने में माहिर रही है। टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर जीत के साथ शुरुआत की है और आज के दूसरे मुकाबले में कप्तान पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मैच जीतकर पाकिस्तान मुसलसल दूसरी फतह हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में हॉलैंड को शिकस्त दी थी। हॉलैंड जैसी एसोसिएट टीमों के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने मायूस किया। ऐसे में
उसे श्रीलंका के खिलाफ मोहतात रहना होगा, जिसके पास बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। आम तौर पर पाकिस्तान बल्लेबाज स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम एंड कंपनी को महेश तिकनिशा और दुनित विलालागे को हल्के में लेने से गुरेज करना पड़ेगा। तिकनिशा ने पहला मैच नहीं खेला, जिसमें श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने आईसीसी के एक रोजा आलमी कप में मुसलसल दूसरी जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को 99 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की जानिब से जीत के लिए दिए गए 323 रन के जवाब में नीदरलैंड की टीम 46 ओवर 3 बॉल में सिर्फ 223 रन ही बना सकी। नीदरलैंड की जानिब से कोलिन एकरमैन ने सबसे ज्यादा 69 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 30 और साइब्रांड ने 29 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से मिशेल सेंटर्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेटें हासिल की, जबकि मैट हेनरी ने 3 विकेटें अपने नाम की। और अब पेश है मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।